नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग वेन स्ट्रेच्ड बाय टू सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एट सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी हमारे ऑप्शन है यू बाई फोर या फिर फोर यू एट यू या फिर सिक्सटीन यू ना सिंपल सवाल है यहाँ पे हमें ये बताया हमें बताया गया है कि एक स्प्रिंग को जब हमने uh, जिसकी नेचुरल लेंथ है उससे नेचुरल लेंथ से जब हमने टू सेंटीमीटर उसको खींचा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई जिसको हम हाफ़ के एक्स स्क्वायर कहते हैं उसकी वैल्यू यू है तो इसको अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ के मल्टीप्लाइड बाई टू का स्क्वायर टू यहाँ पे हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं बिकॉज दोनों की यूनिट आपकी सेंटीमीटर में आएगी सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम उसको रेशो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सो ये यू की वैल्यू हो गई जब इसी स्प्रिंग को हमने एट सेंटीमीटर से खींचा तो U2 जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई एट का स्क्वायर इनको पकड़ के अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी रिजल्ट uh, की वैल्यू आ जाएगी तो हम कह सकते हैं U2 टू डिवाइड बाई यू विल बी इक्वल टू हाफ के एट स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के टू स्क्वायर नाउ एट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर सो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिक्सटीन सो so इसका मतलब यू टू विल बी इक्वल टू सिक्सटीन यू सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सिक्सटीन यू वुड बी द राइट आंसर